वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, और अगर मस्त नहीं होगे तो ये वीडियो देख लेना, पूरा दिन बढ़िया जाएगा। तो गाइस, आज सभी के लिए ना एक हटके वीडियो ले आए हैं। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ये इस पार्ट की वीडियो डली नहीं है, ठीक है? तो आपको दिखा देते किस चीज की वीडियो रहने वाली है, और ये पता करने के लिए पूरी वीडियो में बने रहना तो आपको पता चल जाएगी सारी चीजें किस चीज के ऊपर वीडियो है, ठीक है? तो शॉप के ओनर से मिलवाते हैं, संजीत भाई से। सब जानते हैं संजीत भाई, क्या हाल है? बढ़िया गुरु, बढ़िया। तो आज क्या ही बताओ भाई, जीवा के एम्पलीफायर है। आजकल है ना, बंदे सिस्टम लगा लेता है, एंड्रॉइड में आउटपुट होता नहीं है, और फिर स्पीकर हेवी लगा देते, आउटपुट से मजा आ नहीं पाता। तो इसलिए हमने है ना, जैसे आप आगे सिर्फ स्पीकर लगानी है तो हमने टू चैनल लाया, उसके लिए जीवा का एक नंबर जबरदस्त। मतलब आगे दो स्पीकर, अरे अगर आप चार स्पीकर में कनेक्ट करवाना है तो जीवा के आप लगा सकते हो, सिर्फ स्पीकर कनेक्ट कराने के लिए। अगर एम्पलीफायर बेस ट्यूब सारा कुछ कंप्लीट, अगर हेवी सिस्टम लगाना है, ओके। एक तो होता है अपने सुनने के लिए, अगर जबरदस्त सिस्टम चाहिए तो ये टू चैनल लगा लो, ठीक है। दूसरे को सुनाने के लिए चाहिए तो ये फोर चैनल लगाओ, ठीक है। उसमें क्या है, चारों स्पीकर लग जाएंगे और आपको बेस ट्यूब भी लग जाएगा, 1500 वाट, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी लगाना आपको लग जाएगा, बिल्कुल। तो ये हेवी एम्पलीफायर है, हमने यूज कर रखा है, ठीक है। तो जिसका सामान जैसे होता है वैसे हम बताते हैं, ये नहीं है जो भाई सामान खराब हो और अच्छे बताए, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं, हम खुद फिटिंग करते हैं, हमें मालूम है किसका सामान क्या है, कंप्लेन भी नहीं है इसमें, 0/0 कंप्लेन भी है, और आउटपुट क्वालिटी भी अच्छे है, और सही बजट में है, और अच्छे रेट का है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो एम्पलीफायर है अपना, एम्पलीफायर है, जीवा के रहने वाले, जीवा के रहने वाले। ये फोर चैनल का है, आप देख सकते हो, ठीक है, और ये रहता है टू चैनल। तो इसमें फोर चैनल टू चैनल में डिफरेंस क्या है तो बता दो। और टू चैनल में क्या है, आप सिर्फ स्पीकर चला सकते हो, ठीक है। फोर चैनल में क्या है, स्पीकर भी कनेक्ट करवा लो, बेस ट्यूब भी लगा, लोड तो नहीं आएगा ज्यादा, नहीं नहीं, हेवी एम्पलीफायर है भाई। अच्छा, हेवी है, ओके। तो इसमें बंदे के एक कंप्लेन और आता है, अब जैसे भैया हमने लगा ली, थोड़ा लंबा टाइम चलाते हैं तो हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ट्रिप मार जाता है, ऐसा कोई समस्या नहीं आएगा एम्पलीफायर। ओके, हीटिंग का कोई इशू नहीं, चार घंटे पांच घंटे परमानेंट आप थोड़ा लाउड आवाज में तेज आवाज में चलाते हो, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा इसमें, ओके। एक नंबर आपको चलेगा कलो करके बाई चांस, एक तो सबसे पहले बात है कंप्लेन नहीं आता है, बाई चांस आएगा तो हैंड टू हैंड ही होगा जो भी। तो इसकी वारंटी गारंटी क्या रहेगी? 1 साल की होती है भैया इसके, तो टू चैनल लो चाहे फोर चैनल लो, चैनल लो, ओके। चलो ये भी ठीक है, मतलब कोई यूनिक चीज लेके आए हो संजीत भाई आप, हैं बहुत जबरदस्त चीज है भाई, बिल्कुल मतलब आओ उसके बाद बताओ। अरे एक बार खोल के और दिखा देते हैं इसकी, देखो क्वालिटी और चेक करवाता हूँ मैं आपको भाई, क्वालिटी भी देखोगे ना जैसे, बिल्कुल ये देखो जीवा, ये देख सकते हो गाइस आप, हमने यूज कर रखा है और बहुत कम से कम हजारों लगा रखे हैं, ओके। तो ये जीवा की इस पे बैचिंग रहती है और इस पे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फोर चैनल रहता है, तो इसका ये वारंटी कार्ड जो भी होगा, इसकी गाइड वाइड मैनुअल गाइड तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये फ्यूज़ वगैरह रहने रहते हैं इसके, तो इसको एक बार पैक करते हैं हम। पर ऐसे ही सेम उसमें टू चैनल में भी होगा, चैनल भी ऐसे छोटा है बस, मतलब साइज छोटा हो जाएगा, कलर और सारी बैचिंग वैचिंग सेम है, ओके। तो अरे एक चीज और अपडेट कर दो, अगर बाय चांस अगर कोई जैसे टू चैनल लगाए या फोर चैनल लगाए तो आप कौन से स्पीकर सजेस्ट करोगे कि हम इसमें लगाएं? भैया अगर फोर चैनल लगानी है और बेस ट्यूब लगानी है, मतलब वही है पड़ोसी को, मतलब किचन के बर्तन हिलना चाहिए, तो भाई ये देख मोरल के स्पीकर आया, फ्रंट में कॉम्पोडेंट लगा ले, ओके। मोरल के स्पीकर रहते हैं भाई, बिल्कुल। ये कोई नया ब्रांड आया क्या? अरे यार जबरदस्त स्पीकर है और रेट भी ऐसे है ना, सुन भी एक है, कंपोनेंट कोएक्सियल दोनों है, ठीक है भाई, 6.5 टू वे कंपोनेंट सिस्टम और ये 6.5 कोएक्सियल स्पीकर, ठीक है, दोनों है। अगर ये लगाते हो इसके साथ 1500 JBL लगा लो, ओके। ये और जीवा के एम्पलीफायर लगा लो, एक नंबर आवाज, कोई ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत। तो आप इसमें क्या बूफर या बेस ट्यूब सजेस्ट करोगे या ओनली यही सेटअप? भैया अगर ये लगा करके ये लगाते हो तो सबसे पहले बात ऐसी, अगर डैम्पिंग करा करके हम ये लगा देते हैं, मतलब बेस ट्यूब नहीं लगाते तो ये लग्जरी कार वाले जैसे BMW 5 सीरीज 7 सीरीज जाते थे, आपको फीलिंग आ जाएगा इंडियन कार में भी, अदरवाइज उससे ज्यादा चाहिए, मतलब दूसरे को सुनाने वाले हो तो मैं बोलता हूँ दूसरे को सुनाने वाले चाहिए तो उसके लिए फिर एक बेस ट्यूब और डलवानी पड़ेगी। और एक चीज और सजेस्ट कर दो कि अपने मतलब क्लियर वोकल या बेस के लिए, या जो भी हम गाना सुन रहे हैं हमिंग साउंड ना आए तो उसके लिए डैम्पिंग जरूर करा लें।
डैम्पिंग तो कराना ही पड़ेगा अगर तो चाहिए तो। डैम्पिंग कौन से ब्रांड की मिल जाएगी अपने पास? डैम्पिंग आपको 3M के मिल जाता है, फ्यूजन गोल्ड के मिल जाता है, बहुत सारे मिल जाता है, लेकिन हम डैम्पिंग वही यूज करते हैं जो डैम्पिंग सक्सेस हो। हाँ, अपने हाथ से डैम्पिंग करते हैं, ये नहीं है जो भाई कस्टमर को मतलब लगाओ और चला जाए। कस्टमर के इस तरीके से गाइड करो जो नेक्स्ट गाड़ी भी ले तो याद करे कम से कम, जहाँ यार अच्छा रेट में अच्छा काम करके दिया। ओके, तो डैम्पिंग भी हम शायद संजीत भाई नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। डैम्पिंग जिस ब्रांड की आती है और क्या उसमें फीचर है क्या नहीं है और कौन सी लगानी चाहिए कौन सी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो आज ना एक से लेके 100 कंपनी है, बहुत कंपनियां है, गिनती नहीं है। तो आपको सजेस्ट करेंगे बढ़िया कंपनी के लिए, ठीक है गाइस। तो एक बार मैं अगर ये ओपन हो जाएगा तो आपको दिखा देता हूँ, एक बार 2 मिनट। तो ये देख लो, पहले तो यहीं से ही देख लो आप इसकी पैकिंग, ऐसी तो मैंने किसी उसकी देखी नहीं आज तक। स्पीकर भी बहुत जबरदस्त स्पीकर है, क्या सोच रहे हो? तो इसकी मतलब साउंड क्वालिटी कब चेक करा रहे हो ये बताओ? थोड़ी है ये मॉडल, इसकी साउंड क्वालिटी कब चेक करा रहे हो ये बताओ? लगाएंगे, कोई भाई को दिल होगा लगाएंगे तो बिल्कुल चेक करा देंगे। ये देखो बिल्कुल रेजिस्टेंस वगैरह लग करके बिल्कुल ये देख सकते हो, क्वालिटी वगैरह हर कुछ देख सकते हो, यहाँ के फिनिशिंग वगैरह। वीडियो को पोस्ट करके आराम से आप अच्छे से सारी इसकी देख सकते, पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे हिसाब किताब के स्पीकर है ये। अच्छा, तो एक हिंट दे दो ना इसके पूरे सेटअप की भाई। अगर पूरे सेटअप आप लगाने चाहते हो तो आप विद एम्पलीफायर, विद एम्पलीफायर 1500 वाट JBL के बेस ट्यूब, हाँ 25 से 26 हजार में लगा देते हैं, लग जाता है बिल्कुल जबरदस्त वाली, मतलब एक चीज निकल के आनी चाहिए गाड़ी में से। देख लो ये, तभी तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर दोबारा याद करेंगे भाई, अब ये बिल्कुल बिल्कुल लगा दिया और दोबारा पूछी नहीं है, दोबारा पूछी नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो, तो ये आज की वीडियो में ये सब रहने वाला था। ये अपने 2 चैनल एम्पलीफायर है, 4 चैनल एम्पलीफायर, कोई सा भी एम्पलीफायर लगवाते हो तो ये स्पीकर आप लगा के एक बार चेक जरूर करना है ना। और मिड कब तक लिया होगे? मिड रेंज भाई, मिड तो था ना 2 सेट आज ही, वो तो आज लगा दिया हमने, आ जाएगा कल, आ जाएगा कल, आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना आज के टाइम में मिड बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे हैं इस चक्कर में, मिड भी देंगे, मिड के भी वीडियो अभी नेक्स्ट। तो गाइस आप कल तक का इंतजार कर लो, उसके बाद मिड भी आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में बस ये रहने वाला था, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बढ़िया तरीके से ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए। तो सारी चीज़ आप चेक कर लेना, कोई भी इशू होती है, क्वारी होती है तो आप कमेंट कर लेना या मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना, कुछ भी कर सकते हो, है संजीत भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं नहीं दिक्कत क्या भाई। तो ठीक है, आप किसी भी तरीके से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको डाल देंगे वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।